अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स सर्कल की डेफिनेशन समझते हैं A circle is the locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from fixed point O. The fixed point O not lying on the circle is called center of the circle. A student's locus kya hota hai? The path of an object moving according to some rule. ज कॉल्ड लोकस और सर्कल में डेफिनेट रूल क्या है कि सेंटर से सर्कम तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर फासले पे होगा तो सर्कल में ये लोकस है अब रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू सेंटर ज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट अब ये एक सर्कल ड्रॉ किया गया है ओ इसका सेंटर है सर्कम फेरेंस पे एक पॉइंट है ए तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है इसको मैयर करें तो ये रेडियल सेगमेंट कहलाएगा आर्क ऑफ सर्कल एनी पोर्शन ऑफ द सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क र्कम ऑफ सर्कल का कोई भी पार्ट आर्क कहलाता है जैसे इस सर्कल में जो रेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एन आर्क जी स्टूडेंट्स अब कॉर्ड की डेफिनेशन समझते हैं अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू प्वाइंट्स ऑन द सर्कम ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड अब ये एक सर्कल बना हुआ है ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो सर्कम पे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन जो लाइन कर रही है दैट लाइन इज कॉल्ड अकॉर्ड। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल अब इसी सर्कल में देखें ए बी एक कॉर्ड है और ये आर्क है तो इस आर्क और इस कॉर्ड के दरमियान जो पोर्शन है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल अब स्टूडेंट्स यहां पे समझने वाली बात यह है कि सेगमेंट ये आर्क और इस कॉर्ड से भी सेगमेंट बना है तो आर्क यहां पे ये जो ग्रेटर साइड है आर्क की यह भी आर्क और एक कॉर्ड है तो ये भी सेगमेंट ऑफ सर्कल होगा जिसको मैं ब्लू से शेड करने लगाऊं अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये माइनर सेगमेंट है जो रेड से शेड किया गया है और जो ब्लू से शेड किया गया है ये मेजर सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जो सेमी सर्कल से स्मॉलर होता है और मेजर सेगमेंट सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टड बिटवीन देम इज़ कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस की दो रेडियस और उनके दरमियान जो आर्क होती है वो पोर्शन सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है वो इसका सेंटर है तो ओ ए एक रेडियस है और ओ बी दूसरा रेडियस है तो ओ ए बी जो है ये सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाएगा जी स्टूडेंट्स अब थ्योरम वन समझते हैं थ्योरम वन की स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट हमें एग्जाम में गिवन होगी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अब स्टूडेंट्स किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना हो तो उसमें सबसे पहले हम गिवन चेक करेंगे उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे और फिर अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे और थ्योरम में फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है अगर आप फिगर बनाए बगैर बाकी पूरा थ्योरम लिख भी दें तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले अब गिवन देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन क्या है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो गिवन में हम लिखेंगे ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करते अब हमने ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए ए बी एंड सी ये तीनों सेम लाइन पे लाए नहीं कर रहे इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे अब हमने प्रूव ये करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या की ज्वाइन ए विद बी एंड बी विथ सी ये जो तीन पॉइंट हमने लिए हैं एक प्लेन में ए को बी से ज्वाइन कर दिया और बी को सी से ज्वाइन कर दिया ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर टू ए बी ये डी एफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ किया ए बी पे तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर ने इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी इसी तरह जैसे हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया सेम बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ अब डी एफ और एच के पैरल नहीं है कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं पैरल लाइन वो होती हैं जिनका दरमियानी फासला कॉन्स्टेंट रहता है ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ ओ को ए बी और सी से मिला दिया ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है तो आपने सबसे पहले ये फिगर बना लेनी है उसके बाद गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखनी है अब प्रूफ करेंगे प्रूफ में स्टेटमेंट्स और उसकी रीजन लिखेंगे अब स्टेटमेंट्स में सबसे पहले ओ जो पॉइंट है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ पे है तो अब हम ये नाइन्थ क्लास के चैप्टर ट्वेल्व में पढ़ चुके हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट अब डी एफ राइट बाई सेक्टर या परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ए बी पे तो ओ पॉइंट इस राइट बायसेक्टर के ऊपर फॉल कर रहा है तो ओ ए से और ओ बी से बराबर फासले पे होगा एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी और इसकी रीज़न ये है कि डी एफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर टू ए बी है जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रा की है अब जब ओ से ए और ओ से बी का फासला बराबर है तो मैयरमेंट ऑफ ओ is इक्वल टू मैयरमेंट ऑफ ओ बी दिस इज इक्वेशन वन जी स्टूडेंट्स अब जैसा हमने ओ से ए और ओ से बी का फासला बराबर प्रूफ किया सेम इसी तरह एवरी पॉइंट ऑन एच के इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम बी एंड सी बिकॉज ये ओ पॉइंट एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है और एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम द एंड पॉइंट्स तो इस राइट बाई सेक्टर के एंड पॉइंट्स जिस लाइन पे ये राइट बाई सेक्टर है वो बी और सी हैं लिहाजा ओ बी और ओ सी की मैयरमेंट बी सेम होगी मयरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेयरमेंट ऑफ ओ सी ये इक्वेशन टू आ गई और जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसकी रीज़न बिल्कुल सेम वही रीजन लिखेंगे डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि एच के इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर टू बी सी और कंस्ट्रक्शन से हमने ये चीज़ प्रूफ की है नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के ओ वाहिद पॉइंट है जो डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कॉमन है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी अब इक्वेशन वन जो यहाँ लिखी हुई है हमने यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव की कि मैयरमेंट ऑफ ओ इक्वल है मयरमेंट ऑफ ओ बी के और इक्वेशन टू हमने जो यहाँ लिखी है मयरमेंट ऑफ ओ बी इक्वल है मैयरमेंट ऑफ ओ सी के तो चूंकि ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है तो ओ से ए बी और सी तीनों का फासला बराबर होगा लिहाजा मैयरमेंट ऑफ ओ इज इक्वल टू मैरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मैरमेंट ऑफ ओ सी यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू ये इसकी रीजन है देर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ अब यहाँ पे इस फिगर में वादे नजर आ रहा है कि ओ के अलावा इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे कोई पॉइंट नहीं है हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी अब चूंकि ओ ए ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस सेम है तो आप सेंटर ओ पे कंपस रख के ए तक रेडियस लें और यहां से कंपस को उठा के बी पे लेके जाएंगे तो एग्जैक्ट बी पे कंपस आएगी और बी से उठा के आप सी पे लेके जाएंगे तो कंपस एग्जैक्ट सी पे आ जाएगी तो डेफिनेटली ओ सेंटर से ए बी सी को पास करता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही गुजर सकता है अल्टीमेटली देर इज ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल की कुछ बेसिक डेफिनेशन समझी और थ्योरम नंबर वन प्रूफ किया इस थ्योरम को आप याद करेंगे और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे तो 99 परसेंट चांस हैं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे तो नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर टू थ्री फोर और फाइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़